अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसे देखकर आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट है और थोड़े दिनों में आपका मैरिज है, तो आप क्या करोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी द इंटीमेट इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर्स के नाम उन्होंने नहीं दिए हुए, हम इनका नाम के और क्रीम रखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जो है क्रीम, वो एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। अब थोड़े ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वो एक दिन अपने बिल्डिंग के लिफ्ट में थी। उसी लिफ्ट में फिर के इंटर करता है कि हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। के पास एक कंटेनर है जहाँ पर उसने सब उसका सामान रखा हुआ है। क्रीम नोटिस करती है कि वो अफ्रीका जाने वाला है। वो देख रही थी तो के कहता है कि ज़ेनिबार है, उस जगह का उसने नाम लिया। कहता है मुझे लगा कि तुम इंटरेस्टेड हो। क्रीम कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हुए ही इन दोनों में बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन है। के क्रीम से कहता है कि हमारी लिफ्ट नीचे जाने तक अगर लिफ्ट में कोई भी नहीं आया तो तुम्हें मैं ड्रिंक के लिए लेकर जाऊंगा। क्रीम पूछती कि ऐसा क्यों? कहता है कि क्या तुम्हें बताना पड़ेगा? वो उससे फ्लर्ट कर रहा था। लिफ्ट नीचे आ गए फिर भी इनके लिफ्ट में कोई भी नहीं आया, पर क्रीम वहां से चली गई। इसके बाद थोड़ी देर में अपने काम के लिए क्रीम एक जगह पर आती है। इसी के पैरेलल में उसी जगह पर हम के को भी देख सकते हैं। के की कंस्ट्रक्शन की जॉब थी, उसका अब जॉब चला जा चुका है तो उसे अफ्रीका जाना पड़ेगा। इस सीन में हम देखते हैं कि के का कोवर्कर उसके पास बात करने के लिए आता है। कहता है कि अगर तुम अपने बॉस की बात मान लेते तो एक कंपनी अभी भी सही रहती है। जिस तरह से बिजनेस में बेंट होना चाहिए उस तरीके से के नहीं होता। उसकी वजह से उसकी कंपनी डूब गई, पर सारे एम्प्लॉयज के पैसे उसने खुद से दिए हैं। ये एम्प्लॉय इसके लिए थैंकफुल था। यहाँ पर बात कर रहे थे तभी के नीचे क्रीम को नोटिस करता है। वो एक एड्रेस ढूंढ रही थी तो उसे हेल्प कर देता है। उसे देखकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड है। उसे मजाक में कहता है हमें मिले बहुत दिन हो चुके, कैसी हो तुम? क्रीम उसे इग्नोर कर देती है और वहां से आगे जाती है। वो एक्चुअल में एक ज्वेलरी डिजाइनर है। वहां पर वो डिलीवरी करने के लिए आई हुई थी। वो फिर वॉशरूम गई और अपने फियांसे को कॉल लगाती है। उसे बोर हो रहा था तो फियांसे से कहती है कि मुझे तुम लंच पर मिल सकते हो। उसका फियांसे उसे मना कर देता है। वैसे भी ये दोनों आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने ही वाले हैं। क्रीम फिर आसपास की जगह देख रही थी तो एक लाइब्रेरी में आई। वो बुक्स देख रही थी पर अचानक से के ने उसके पास आकर उसे सरप्राइज कर दिया। वो घबरा गई और उसी वजह से उसे एक पेपर कटाया। के फिर उसे सॉरी कहता है, जल्दी से जाकर उसके लिए एक बैंडेज लेकर आता है। क्रीम अभी भी उससे कोई भी बात नहीं कर रही। उसे अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम यहाँ वर्क करती हो? तुम आज क्या करना चाहती हो? उसे कहता है मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड करो। क्रीम पूछती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो कहता है कि तुम बोर लग रही हो। वो उसका नाम पूछता है तो कहती है कि मेरा नाम एक लड़की है। वो कैसे उसका नाम पूछती है तो के भी कहता है कि मेरा नाम एक लड़का है। ये फिर चलते चलते एक मूवीज और गेम्स के शॉप में आए। यहाँ पर जब मूवीज के बारे में बात करते हैं तो इनमें एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। क्रीम को स्केरी मूवीज पसंद नहीं है। ये कहता है कि रियलिटी इस स्केरी मूवीज से भी स्केरियर होती है। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं उन्हें हॉरर मूवी देखनी है। यही पर इस शॉप में प्राइवेट मूवी स्क्रीनिंग के लिए स्टूडियो था जहाँ पर ये मूवी देखते हैं। मूवी देखते देखते के डर जाता है तो क्रीम का हाथ पकड़ लेता है। इस पर वो बहुत हंसती है। मूवी देखने के बाद ये बाहर आए। ये क्रीम से कहता है आज मेरा कोरिया में लास्ट डे है, शायद तुम लास्ट पर्सन हो जिससे मैं मिलने वाला हूँ। ये खिड़की से व्यू देख रहे थे तो के क्रीम के बहुत ही पास आ गया। इसे वो किस कर लेता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। के जब वॉशरूम गया उतने ही टाइम में क्रीम वहां से चली गई। वो अपनी कार में कुछ चीजों के बारे में सोचती है और फिर से वापस आ जाती है। के उसे पूछता है तुम चली क्यों गई थी? क्रीम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद ये दोनों कैफे में आए। क्रीम ने कैसे कहा कि आज उसे शाम 6 बजे से पहले घर जाना पड़ेगा। के उसे पूछता है तब तक हमें क्या करना चाहिए? के कहता है कि मेरे साथ अलग अलग चीजें ट्राई करो, हम जरा मजे करेंगे। के फिर क्रीम को एक छोटे से रोलर कोस्टर में लेकर आया। जब वो मिड एयर थी तो वैसे ही छोड़कर आगे चला जाता है। क्रीम बहुत ही डर गई थी। नीचे आकर उसे बहुत मारती है। इन दोनों को इससे बहुत मजा आया। चलते चलते क्रीम के फीट दुखने लग गए थे। के उसे मसाज देता है। क्रीम उसे पूछती है तुमने मुझे ड्रिंक्स के लिए क्यों इन्वाइट किया था? ये कहता है तुम्हारे फीट बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इसे मुझे मसाज देना था।
ये चीजी डायलॉग सुनकर क्रीम उसे कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। इस पर बहुत हंसते हैं। के ने फिर से क्रीम को पकड़ लिया। क्रीम कहती है कि हमें कोई देख लेगा। ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब क्रीम का जाने का टाइम हो चुका है कि उसे लिफ्ट दे रहा था। क्रीम को एक कॉल आया जिसे वो इग्नोर कर दिया। इससे जरा वो नर्वस हो गई थी क्योंकि कॉल उसका फियांसे का था। के क्रीम को गाड़ी के कंपार्टमेंट से सिगरेट निकालने के लिए कहता है। क्रीम जब निकाल रही थी तो वहाँ एक लड़की की फोटो है। वो उससे पूछती है कि लड़की कौन है। क्रीम कहता है कि कोई भी नहीं, वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्रीम बार बार पूछती है पर इस पर वो चिट गया था। क्रीम को जहाँ जाना था के ने उसे वहाँ ड्रॉप कर दिया। कहता है मैं तुम्हारे लिए यही वेट करूँगा, अगर तुम चाहो तो ये रात हम साथ बिता सकते हैं। क्रीम कहती है मुझे 30 मिनट्स दो, अगर मैं वापस ना आई तो प्लीज़ मुझे हेट मत करना। आज क्रीम का उसके फियांसे के साथ एक बिजनेस का डिनर था। वहाँ रेस्टोरेंट तक वो पहुँची पर उसे अंदर नहीं जाना था। वो फिर से केक के पास आ जाती है। ये दोनों एक पार्क में थे। के एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुन रहा था तो ये सॉन्ग वो क्रीम को सुनाता है। कहता है कि आज रात मुझे लगता है कि मैं यही सोऊंगा, ये मेरी यहाँ एक लास्ट रात है तो मुझे आसमान के नीचे सोना है। क्रीम फिर के साथ शॉपिंग करने के लिए आई। वहाँ पर अलग अलग आउटफिट वो ट्राई करती है। केक को बहुत बोर होता है। फाइनली वो एक आउटफिट चूज करती है, अपने खुद के कपड़े स्टोर में रख देती है और वही आउटफिट पहनकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों एक गेमिंग पार्लर में आए। यहाँ पर उन्होंने इतना शोर शराबा मचाया कि सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये दोनों बाहर घूम रहे थे तभी अचानक से बारिश आ गई। इन दोनों को फिर से इंटीमेट होना था तो एक होटल में आकर वो इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद ये डिनर करने के लिए बाहर आए। यहाँ पर क्रीम फिर से पूछती है जिस लड़की की तुम्हारे पास फोटो है वो कौन है। ये कहता है वो मेरे साथ काम करती थी, 3 साल तक हम रिलेशनशिप में थे, उसे शादी ही करने वाला था पर मेरे फ्रेंड के साथ ही वो इंटीमेट हो गई। घटिया चीज ये है किसी और के साथ उसने शादी की। के बहुत ही हार्ट ब्रोकन है इसलिए हमेशा उसकी फोटो वहाँ रखता है। वो कहता है हम दोनों में जो था अगर वो प्यार था तो ये बहुत ही घटिया था। क्रीम उसे पूछती है तुम अभी भी उसकी फोटो क्यों रखते हो। ये कहता है कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, मुझे कभी भी उसे भूलना नहीं है। के कहता है कि अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। वो पूछता है कि अगर तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगी। क्रीम कहती है कि मैं उसे बहुत मारूंगी, इग्नोर कर कर वहां से चली जाऊंगी। वो कैसे पूछती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। क्या कहता है कि मैं उससे पूछूंगा कि हमारी लिफ्ट नीचे नहीं जाती है, तब तक अगर कोई भी लिफ्ट में नहीं आया तो मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए बाहर लेकर जाऊंगा। ये वही चीज है जो के ने फर्स्ट टाइम क्रीम से पूछी थी। क्रीम को 10 बजे फिर से घर जाना था। ये दोनों बाहर आए और क्रीम उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें पंच कर सकती हूँ, यानी कि क्रीम को लगता है कि के उसके लिए परफेक्ट है। ये उसे पंच करती है और के उसे गले लगा लेता है। क्रीम कहती है हम दोनों में कोई भी अटैचमेंट नहीं हो सकती, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था। वो फिर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर वो वेट कर रही थी वहाँ के भी उसके साथ वेट करता है। क्रीम का फिर फियांसे आया, उसके साथ वो गाड़ी में आगे चली गई। क्रीम और उसका फियांसे ये 7 साल से एक साथ है। वो उससे पूछता है कि तुम उसे डिनर के लिए मिलने वाली थी, तुम आई क्यों नहीं, अब हमारी शादी होने वाली है तो शायद तुम्हें टेंशन आ रहा है, ये सब कुछ चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। क्रीम और उसके फियांसे ट्रैफिक में थे तो के भी उनका पीछा करता है। क्रीम अपने फियांसे से पूछती है कि अगर हमने शादी कैंसिल कर दी तो क्या होगा। इस पर फियांसे कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये दोनों फिर एक कैफे में आ गए। फियांसे कहता है मैरिज एक कुछ बड़ी बात नहीं है, इसे तुम ज़्यादा सीरियसली मत लो। क्रीम पूछती है क्या तुम मुझसे बोर नहीं हो गए। वो कहता है सब लड़कियाँ 7 साल के बाद एक जैसी बन जाती है, मुझे शादी करनी है तो मैं तुमसे ही करूँगा, और प्यार क्या होता है, प्यार भी तो यही है। ये दोनों बात कर रहे थे तो इसी रेस्टोरेंट में फिर से के आ गया। वो अपने फियांसे से कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं दिन भर किसके साथ थी। वो के की तरफ पॉइंट करती है। वो फिर के पास आए, उसके मुंह पर उसने पानी मारा। ये सब तमाशा देखकर फियांसे वहां से चला जाता है। के क्रीम के पास आकर कहता है कि यह बहुत ही इम्पल्सिव था। वो कहती है हमारे बीच डील थी, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था, उसका मूड सही नहीं था। तो कहती है मुझे चीयर अप करने के लिए कहीं लेकर चलो। ये दोनों फिर एक क्लब में आए। क्रीम को उसके फियांसे का कॉल आता है। कहता है कि मैं सबको समझ सकता हूँ, तुम्हें भी कभी कभी फ्लिंग की जरूरत है,
तुम आज रात उसके साथ जो भी करो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कल से हमारी जो रिलेशनशिप थी यही हम कंटिन्यू करेंगे। ये फियांसे भी उसी क्लब में था। के और ये फियांसे एक दूसरे के आमने सामने आए। ये फियांसे कहता है, क्रीम का अच्छे से ख्याल रखना, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है, ज्यादा अपने होप्स मत बढ़ाओ। इसके बाद के क्रीम के पास आया। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो क्रीम अपने फियांसे को कॉल लगाती है। उसे जेलस फील कराने के लिए सब आवाज सुना रही थी। इससे के बहुत ही चिढ़ जाता है। कहता है, मुझे तुम समझती क्या हो, या जब मेरे साथ थी तो उसी को इमेजिन कर रही थी। इस पर इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये दोनों इस क्लब से चले गए और फिर से एक पार्क में मिले। क्रीम कैसे कहती है, तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो, तुम कल जाने वाले हो। हर आदमी कहता है कि उसे मजे करने हैं, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बारी आती है तो कोई भी रेडी नहीं होता। वो हर्ट हो रही थी तो के उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर ही एक बेंच पर वो हैंग आउट कर रहे थे। के ने एक मार्कर लिया। क्रीम को इस बेंच पर अपना हाथ रखने के लिए कहता है। उसका हाथ वो यहाँ ड्रॉ करता है। क्रीम पूछती कि ये क्या है। वो कहता है कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो यहाँ इस स्पॉट पर मैं आ जाऊंगा। यहाँ इसी पार्क में एक स्टैचू था। कुछ फूल लेकर इस स्टैचू के सामने खड़े होते हैं, जिस तरह से वेडिंग वॉज लिए जाते हैं। इसमें कमिटमेंट तो करते हैं पर हर क्वेश्चन के बाद नो कहते हैं। यानी कि क्या आप पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे, इस पर ये दोनों ना कहते हैं। इसके बाद ये दोनों सी के पास आए। यावर क्रीम कैसे कहती है, जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो हमेशा कपल की तरह ही रहना चाहिए। ये प्यार खत्म हो जाने से पहले एक दूसरे की लाइफ से चले जाना चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक वाइन शॉप में आए। के शॉप ओनर से कहता है कि आज हमारी शादी हुई है, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे वाइन गिफ्ट कर सकती हो। के हमेशा बहुत ही चार्मिंग होता है तो इसलिए ये ओनर उसे गिफ्ट कर देती है। इसके बाद ये दोनों फिर से होटल में आए। के को अब जाना पड़ेगा तो क्रीम उसे शेविंग करने में हेल्प करती है। के यही शेविंग क्रीम क्रीम के शोल्डर पर लगाता है। वहां पर एंजल लिखता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। क्रीम कहती है कि चलो एक दूसरे को हम स्टोरी सुनाते हैं। के इंटरेस्टेड नहीं था तो खुद सुनाना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो हम सब क्लासमेट्स के पास कोई भी शार्पनर नहीं था। एक लड़की के पास था तो हमेशा उसकी पेंसिल बहुत ही शार्प रहती थी। मेरी मदर कभी भी मुझे शार्प पेंसिल नहीं देती थी, थोड़ी सी ब्लंट रखती थी। एक दिन मैंने मेरी पेंसिल को बहुत ही शार्प किया था। मैंने जब उसे राइट किया तो जल्दी से टूट गई थी। तब मुझे पता चला कि मेरे पास हमेशा जो ब्लंट पेंसिल रहती थी वो लाइफ लॉन्ग है। ये जो कन्वर्सेशन है, यहाँ पर क्रीम अपने फियांसे और केक को कंपेयर कर रही थी। उसका फियांसे उसके लिए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। केक के साथ उसकी रिलेशनशिप एक शार्प पेंसिल की तरह है जो कभी भी टूट सकती है। अब सुबह हो गए तो एक जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। क्रीम को पीने के लिए थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए था। के उससे पूछता है कि हम दोनों क्यों नहीं डेट कर सकते, तुम्हें जो भी चाहिए वो हम कर सकते हैं। क्रीम कहती है कि हम आज ही मिले और बहुत बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए, अगर हमने कंटिन्यू किया तो कितना कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 month, 2 month, 6 month, इसके बाद हम एक दूसरे से बोर हो जाएंगे। मुझे अभी अभी वार्म वाटर चाहिए था पर तुम उठे भी नहीं, अगर तुम मेरे लिए केयर करते तो तुम्हारे साथ मैं डेट पर आ सकती थी। ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो, पर ये दोनों खुश नहीं है। इसके बाद क्रीम ने केक को एक ब्रेसलेट दिया जो बहुत ही टाइट बांधती है, कि उसकी हमेशा याद रखे, इसलिए उसने वो दिया था। के कहता है कि तुम इसे कितना भी टाइट बांध लो, कभी ना कभी ये टूटने वाला ही है। क्रीम कहती है, तुम मेरी एक अच्छी मेमोरी हो, मैं इसी तरीके से तुम्हें याद रखना चाहती हूँ। इसके बाद उसने कैब की और वहां से वो चली गई। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है। जिस पार्क में के और क्रीम मिले थे उसी पार्क में उसकी शादी हो रही है। वो फिर से उसी बेंच पर आती है जहां पर के ने उसका हैंड ड्रॉ किया था। क्रीम का हैंड ड्रॉ करने के बाद के ने अपना हाथ भी ड्रॉ किया था। ये देखकर वो अपनी लाइफ से मूव ऑन करती है। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। जो भी इस मूवी का पॉइंट था ये क्रीम ने उसकी पेंसिल की स्टोरी में हमें बता दिया था। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।